शिट, मेरे बेसमेंट के अंदर बहुत सारी क्रीपर्स। ये तो छोटा बच्चा है। घोड़े साइड मत। पागल है क्या बहुत चुप। सो हे गाइस, तो तुम कैसे हो सारे सारे? तो आज हम बनाने वाले हैं अपना खुद का जल्दी बोल अंडरग्राउंड घर। बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, जिसमें हम रहने वाले हैं और साथ में रखेंगे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को। काश ऐसा होता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, हम हमारे घर को मर गया ना कोई सेंसेस बात। अबे मुझे इधर ही बनाना अपना अंडरग्राउंड घर। ये सिर्फ अभी इतना ही टूटा है, इसको और तोड़ना है। मैंने जस्ट अभी अपना घर बनाना शुरू करा था कि रात भी हो चुकी है, तो मेरे को यहाँ पर जरूरत है बहुत सारी रोशनी की। तो मैं फटाफट से यहाँ से ले लेता हूँ बहुत सारी लालटेन, फलाना झगड़ा, जो भी मुझे मिल सकता है यहाँ से, कुछ भी। इससे हमारी बहुत हेल्प होगी। तो मैं चारों तरफ लगा देता हूँ। बढ़िया, अच्छी खासी रोशनी हो चुकी है। चलो, तो मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि क्यों ना मैं बहुत सारे TNTs लगा देता हूँ नीचे, लेकिन हिसाब वाले लगाऊंगा कि ताकि मुझे भी दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे सिर्फ लिमिटेड एरिया चाहिए। ये नहीं कि भाई वो आसपास का सारा एरिया तबाह कर दे, वरना उससे सारा काम बेकार हो जाएगा मेरा। मैं सिर्फ उसे सेंटर सेंटर में लगाऊंगा। ने मेरी सारी की सारी टॉर्चे बुझा दी। कोई नहीं, मैं फिर लगा देता हूँ। अच्छी खासी रोशनी हो जाएगी तो हमें काम करने में वो और भी ज्यादा आसानी होगी। जैसे कि देख रहे हो, सब कुछ ऊबड़ खाबड़ कर दिया उसने भाई मेरा, मैं कैसे बनाऊंगा। चलो ठीक है, 1 2 3 4 ये लास्ट होता तो इसमें देखते कि कितना स्पेस और मिल सकता है। नहीं, यहाँ नहीं, कॉर्नर्स पे बिल्कुल नहीं लगाने, क्योंकि भाई कॉर्नर्स हमारा बिल्कुल सही है। हमें सिर्फ इतना ही जोन चाहिए, इससे फालतू का जोन नहीं चाहिए हमें। तो ठीक है भाइयों, इतना स्पेस मेरे ख्याल से बहुत होना चाहिए। ऊपर से देखता हूँ मैं, लगभग ठीक ठाक हो चुका है हमारे पास स्पेस अंडरग्राउंड में। इतना दे रहा तो सबसे पहले मैं चारों तरफ लाइट्स लगा देता हूँ, ताकि मेरे को काम करने में कोई भी दिक्कत ना हो। मैंने इसको इतना ज्यादा गहरा खोद दिया कि नीचे पानी तक निकल आया है। इन कोई बात नहीं, इसका भी जुगाड़ है, लेकिन मैं यहाँ पर मैं बहुत सारे ब्लॉक्स लगा के पानी को ब्लॉक कर सकता हूँ। तो चलो भाई, इसको पूरे को खाली करते हैं और इसको पूरे को तोड़ के पानी के लेवल तक लेके जाते हैं। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे सेट करने वाला मैं बहुत सारे TNTs, ताकि मेरा काम आसान हो जाए। भाई दोबारा सुबह हो चुकी है, पर हमने नीचे अच्छी खासी जगह बना ली है। और भी बहुत सारे ब्लॉक्स पेंडिंग है, इनको भी हटाओ यार। तो यहाँ पर हमारा मोस्टली सरफेस नीचे का खाली हो चुका है, तो ये बचे कुछ चीजें हैं जो कि हमें, इसको भी अभी ठीक करता हूं मैं, रुको। तो लगभग मैंने मोस्ट इसकी चारों तरफ की साइड्स को भी इक्वल कर दिया है, ताकि ऊपर से और बाहर से देखने बहुत अच्छा लगे। तो लगभग अपना बेस तैयार हो चुका है, तो फटाफट से अभी स्टार्ट करते हैं हमारा क्रिएटिविटी का खोपड़ा। सबसे पहले बनाते हैं हमारा बेस। हम स्टोन्स उठाते हैं, अपन बनाते हैं दो चीज का कॉम्बिनेशन, बनाते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके बनाते हैं दोनों का बेस। दोबारा से रात हो चुकी है और मैं तुम सबको दिखाता हूँ अभी तक मैंने यहाँ पर कितना बनाया है और कितना नहीं बनाया है। आखिरी ब्लॉक। फिर से सुबह हो चुकी है और हमने हमारा लगभग बेसमेंट तैयार कर लिया है। अभी हम तैयार करते हैं हमारी सामने वाली वॉल। फाइनली पहली वॉल पूरी हुई और अब बारी है इस वाले की। So
बस बेटा। अबे यार ये साला ये यहाँ पे फंस गया। बारा क्रीपर साले मेरी मेहनत बर्बाद करेगा तू। दो घंटे होगा मुझे लगे। निकल निकल। सेकंड वाली वॉल भी मोस्टली कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ने हमारी तीन वॉल पूरी कर ली है। बची है लास्ट, तो फटाफट से इसको भी पूरी करते हैं। ये वाली पेंडिंग है बस। मोस्टली कंप्लीटेड। फाइनली अपना बेसमेंट पूरी तरह से तैयार हो चुका है 3 घंटे की मेहनत के बाद। फाइनली तो फटाफट से इसकी बना लेते हैं छत। इसके सनरूफ बनाने के लिए मेरे को बहुत अच्छे ब्लॉक्स का यूज करना होगा ताकि ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। दोबारा रात हो चुकी है, मैं टॉर्च लगा देता हूँ। ये रात को कितना सुंदर लग रहा है, तो सोचो बनने के बाद कितना सुंदर लगेगा। दोबारा से सुबह हो चुकी है, हमारे हाथ नहीं रुके। तो मैं अभी इसको और अच्छा लुक देने के लिए इसको और अच्छे अच्छे डिजाइन क्रिएट करने लग रहा हूँ। सो फाइनली ये अभी और भी अच्छा दिखने लग रहा है। ओए तोड़ क्यों रहा है। सो अभी वक्त आ चुका है इसके ऊपर एक छत बनाने का। दोबारा रात हो चुकी है। तो फाइनली लगभग पूरा होने वाला है। लाइट लाइट। फाइनली हमने अपना पूरा बेस तैयार कर लिया और साथ में सुबह भी होने वाली है। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 4 घंटे की मेहनत के बाद और अभी मैं बनाने वाला हूँ इसे और भी सुंदर। बारिश आ चुकी है लेकिन हम नहीं रुकेंगे, चाहे दिन हो या रात हो या हो बारिश। सो ये भी कंप्लीट कर दिया है लगभग हमने। इसको तोड़ते हैं हम यहाँ से और अभी हम यहाँ पे लगाते हैं हमारे अंदर जाने वाला दरवाजा। चलो अंदर। तो फटाफट से मैं लगा देता हूँ चारों तरफ लाइट। ओह शिट, मेरे बेसमेंट के अंदर बहुत सारी क्रीपर्स और सॉरी बहुत सारे ज़ॉम्बी आए हुए हैं। इस फोन लेके आता हूँ। निकलो। हेलो, बड़ी मुश्किल से घर बनाया और यहाँ पर तुम रह रहे हो। ये तो छोटा बच्चा है, इसको अगले वाले पार्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं मिलता हूँ अगले ही ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। इसका पार्ट 2 जरूर आएगा। ऊपर तक बातचीत रोकेगा कौन बे।